हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड करवा चौथ तो बीत गया, अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है? दिवाली। और हमारे साइड तो छठ पूजा भी होता है, ये भी आप लोगों को पता है। बहुत सारे त्यौहार आ ही रहे हैं, फेस्टिवल। तो एक्चुअली पहले तो मैं आप लोग बता दूँ, पूछ लूँ कैसी लग रही हूँ मैं। और ये बिल्कुल मत सोचना मैं कहीं जा रही हूँ कुछ, इसलिए इतना तैयार हुई हूँ। बट ऐसी तैयार हो गई मन किया तो। एंड आप लोग मुझे इस लुक पे, और इस लुक पे यानी कि मैंने अभी एक मांग टीका भी लगाया हुआ था, वो वीडियो शूट करने से पहले मैंने निकाल दिया। तो मुझे वो पूरे लुक में अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हो कि मैंने जो पिक लिए हैं और उसके साथ रील्स बनाए हैं, और हाँ स्नैक वीडियो पे भी अब मैं वीडियो बनाने लग गई हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे दीदी कौन से ऐप पे वीडियो बना रहे हो। तो आज मैं फाइनली आप लोग को बता रही हूँ, स्नैक ऐप है, उस पर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं सबका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके जल्दी जल्दी फटाफट मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, बिकॉज वहां पे मैं बहुत सारे पिक्स हर रोज ही डालती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ, मैं वहां पे एक्टिव रहती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग वहां पे मुझे फॉलो करो एंड इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी तरीके का तो आप लोग मुझे डीएम करो। एंड स्नैक्स वीडियो पे भी, जो स्नैक वीडियो है वहां भी मैं बहुत सारा वीडियो बना रही हूँ, तो आप वहां भी मुझे देख सकते हो, तो आप वहां भी मुझे फॉलो करो। एंड आज मैं आप लोगों से अपना शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं। आप लोगों को पता है मैंने करवा चौथ नहीं किया था, बट मैं ऐसी रेडी हुई थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, अच्छी लगी थी। एंड मेरे लिए स्पेशल एक चूड़ा आया हुआ था, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, दी बता दो कितने का चूड़ा है, कहाँ से लिया है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो पहले तो मैं आप लोगों से ये बताऊँ कि जो चूड़ा है ना, इसका मैंने सोचा था अनबॉक्सिंग करके तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बट थोड़ा सा सूट किया है, अभी मैं दिखा दूँगी वो क्लिप। पर पता है क्या हुआ, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चूड़े को लेके, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कैमरा सेट तो किया बट ऑन करना भूल गई, और फटाफट खोल लिया, बाद में ध्यान आया तो मैंने थोड़ा ऑन किया था, थोड़ा बहुत जो था उसे, मतलब आधा तो खोल चुकी थी, उसके बाद जो था वो मैंने उसमें शूट किया है, तो उसे मैं दिखा दूँगी। एक्चुअली ये जो चूड़ा था मुझे ऐसे पैक में रिसीव हुआ था, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था उसका थोड़ा सा वो आप लोग देख लो। ये देखो एक अच्छा है, ये देखो कौन बना है, तो दिखाती हूँ। यहाँ पे मम्मा पापा बने है ना, और यहाँ पे हाथ का, हाथ का ये देखो, इसमें धनु भी है, इतना छिंदल छिंदल चाय है। मम्मा पहनेंगी, आप क्या करोगे? और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसलिए और ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। मेरा मन कर रहा था मैं सबको दिखाऊं, तो मैं खोल खोल के मम्मी को दिखाई, सबको दिखाई, निक्की को दिखाई, अपने हस्बैंड को दिखाई। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, आप लोगों ने करवा चौथ वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें सुना ही होगा, वो भी थैंक्स बोल रहे हैं। तो ये जो चूड़ा है मुझे आया है चूड़ा बाजार, इंस्टाग्राम पे एक स्टोर है, वहाँ चूड़ा बाजार से मुझे ये चूड़ा आया है। और ये जो चूड़ा है सच में बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है, सब इसी नाम से जानते हैं कि दी। ये देखो दी, ये पिक वाला चूड़ा आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया, कहाँ से बनवाया? तो मैंने उस ब्लॉग में भी मेंशन किया है, उनका जो इंस्टाग्राम है आईडी उसका वो मेंशन किया है, और उसका व्हाट्सअप नंबर भी डाल रखा है। एंड इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का इंस्टाग्राम जो स्टोर है चूड़ा बाजार वो डाल दूंगी, और उसके बाद उनका व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगी, आप लोग वहां से, मैं तो जो कहूँगी कि जरूर जरूर लो। अगर छठ पूजा जो नहीं करते वो दिवाली में तो पहनने के लिए एटलीस्ट ले ही ले, बिकॉज वो कितना सुंदर ब्यूटीफुल ये चूड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड आप लोग बता दूँ कि मैं चूड़ा शादी के एक साल के अंदर तक ही पहनी थी, उसके बाद मैंने पहनना छोड़ दिया था। बट उसके बाद मतलब ऐसा हुआ, ये चूड़ा देखा मैंने, मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, मुझे बहुत ही पसंद आया। और मैं आप लोग को दिखा दूँ कि चूड़ा कैसा है। एक्चुअली तो रेड कलर का चूड़ा है, और ये जो बीच में है ना ये वाला जो पार्ट, ये मैरून कलर का है जिसने ये पिक लगा हुआ है, और बहुत ही सुंदर। मैंने और लोगों के हाथ में भी देखे हैं कि ये जो चूड़ा है बहुत ही सुंदर सा है, लोगों ने पिक वाले चूड़ा बनाए, बट ऐसा नहीं देखा जो जितना सुंदर और फिनिशिंग के साथ ये बनाया हुआ है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसमें ऐसे बनाए, ये दो जो साइड साइड से ऐसे कड़े से लगे हुए हैं, इसको भी आप किसी और चूड़ियों के साथ ऐसे
मिक्स मैच करके आप लोग पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने छठ पूजा में भी यही वाला चूड़ा पहनने वाली हूँ। इसके साथ बस मुझे ये जो रेड वाला है इसको हटाऊंगी और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर डालूंगी, क्योंकि मेरी जो साड़ी है, हाँ जी मैं साड़ी ले आई, मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पहले ही दिखा दूंगी मैं ले आई हूँ, तो इसके साथ मैं उसे मैच करके तब पहनूंगी। और वो मैच कैसा बन रहा है वो मैं आप लोगों को जो सेट बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जरूर दिखाऊंगी। एंड आप लोग भी देख के मुझे बताना कि वो कैसा बना हुआ है। तो एक बार मैं चूड़े के साथ ये सारे स्टोन लगे हुए हैं, आप लोग पास से देख लो। और हाँ एक और बात बता दूँ, आप लोगों ने एक्चुअली वो भी वीडियो बनाएगी, निक्की भी वीडियो बनाएगी, वो भी अपलोड करेगी इस चूड़े का वीडियो, क्योंकि जो करवा चौथ में उसने चूड़ा पहना है वो और ये चूड़ा और ये वाला, हम दोनों का चूड़ा जो बाजार से ही आया था इंस्टाग्राम स्टोर से, हम दोनों ने एक ही जगह से मंगवाया था। तो वैसा भी चूड़ा लेना चाहते हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें स्टोन लगा हुआ है, ये वाला भी स्टोन लगा हुआ है। एंड बाकी तो आप लोगों ने देख लिया, ये एक हाथ का है, पहन के भी दिखा देती हूँ, एक हाथ में तो पहन रखा है, वैसे अब मुझे पहनने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों ने तो देख ही लिया है ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, मन करता है बार बार पहनूं। ये ऐसे आएगा, आप लोग खुद ही देखो ये हाथ में कैसे बिल्कुल न्यूली ब्राइडल की तरह लग रहा है कि मैं अभी अभी शादी हुई हो, अभी अभी नहीं हुई, 4 साल हो गए, 5 साल होने जा रहे हैं, इसी में बता दिया मैंने आप लोगों को। तो आप लोग दिवाली के लिए या छठ के लिए जरूर ये चूड़ा लो। एंड आप लोगों को ये चूड़ा कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। आप लोग बार बार मुझसे ये कमेंट कर रहे हो, पूछ रहे हो कि दी आपने चूड़ा कितने का लिया, तो मैंने हर जगह चूड़ा कितने का लिया, तो मैं आप लोगों को तो मैंने बता दिया कि चूड़ा बाजार से मैंने ये चूड़ा लिया है, मुझे इसका रेट नहीं पता, क्योंकि उन्होंने एज अ गिफ्ट मुझे सेंड किया है कि मैं इसे करवा चौथ वाले दिन पहनूं, इसलिए मुझे इसका रेट नहीं पता। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करो, मैं व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करो, आप लोगों को मिल जाएगा ये चूड़ा। और बहुत ही आपके बजट में है ये चूड़ा, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 2,000-2,500 का ऐसा चूड़ा नहीं है, सही रेट में मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग एक बार उनसे जरूर कॉन्टैक्ट करो। और हाँ अगर आप लोगों को चूड़ा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड देखिए नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा आता है, एक ब्लॉग जो है मैं बना के रखी हूँ बट वो पेंडिंग है, अब मैं कब वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अब देखते हैं। चूड़ा पसंद आए तो लाइक शेयर वीडियो को जरूर करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।